बॉयज एंड गर्ल्स द गेम जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे भाई एक साल से, वो भाई आ चुका है। और मैं भाई सही बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं सुनना चाहता अपने आप को बात करते हुए, तो मैं बस शुरू कर रहा हूँ भाई। मेरे को नहीं पता भाई, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एक्चुअली एक्साइटेड भी हूँ और मेरे को डर भी लग रहा है फॉर सम रीजन। ऐसी वाली फीलिंग आती है ना जब हम एग्जाम देने जाने वाले होते हैं भाई, पेट में गुड़गुड़ सी मचती भाई, वैसा हो रहा है मेरे साथ। पर देखते हैं भाई, चलो क्या होने वाला है। ओ ओके, लुक्स लाइक हम लोग अल्ट्रा सन अल्ट्रा मून खेल रहे हैं, पर ये तो कुछ अलग ही लग रहा है भाई। वेलकम टू माय रेलम लोकेटेड बियॉन्ड बोथ टाइम एंड स्पेस। ओके ओके, कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो रहा है भाई लेजेंड्स आरसीएस का। इट इज वेल दैट दो आर्ट हियर, आई एम दैट विच ह्यूमन कॉल। ओ गाइस, आरसीएस हमसे वन ऑन वन बात कर रहा है भाई। डैम, नाउ आई विश टू नो दाइन अपीयरेंस। ये कैसे भगवानों जैसे बात कर रहा है। अरे अरे चलो, आरसीएस आपने हमें बनाया है तो आपको पता नहीं हम कैसे देखते हैं, ये तो गलत बात है भाई, ये बहुत ही गलत बात है भाई। पर चलो हम लोग भाई जाएंगे इस कॉम्प्लेक्शन के साथ। आई एम प्रिटी कैरिमली, व्हाट इज दाई नेम। भाई बंद करो भाई, ऐसे हम ग्रीक ऑर्थोडॉक्स से नहीं है तो ऐसे मत करो भाई। ओके, तो हम हमेशा भाई जिस नाम से जाते हैं उसी नाम से जाएंगे, जो कि है मेरा रियल नाम ऋषभ। और वैसे हम लोग अब ये नेम डाल ही रहे हैं, बोरिंग काम कर रहे हैं। तो भाई मैं बता दूं, हम लोग खेल रहे हैं आज लेजेंड्स आरसीएस, जस्ट अभी भाई गेम रिलीज हुआ है। सो अगर तुम भाई एक्साइटेड हो, सो ड्रॉप दैट एक्साइटमेंट इन द कमेंट डाउन बिलो मैन। बताओ मुझे तुम कितना एक्साइटेड हो भाई। सून दाउ शैल्ड फाइंड थाइसेल्फ इन अ वर्ल्ड स्ट्रेंज टू दी। ये चल क्या रहा है भाई, हम क्या अभी पैदा ही हो रहे हैं क्या, मतलब पैदाइशे से हम पोकन मास्टर बन जाएंगे क्या। अ वर्ल्ड इनहैबिटेड बाई वंडरस क्रीचर्स दैट ह्यूमन कॉल पोकेमॉन। ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब हमें क्रिएट किया गया था तब से ही हम खेलने वाले हैं गेम को, मतलब ऐसे बचपन से ही। सीक आउट ऑल पोकेमोन एंड दाउ शैल फाइंड मी वंस मोर। ओके ओके, फाइंड मी वंस मोर करके लिखा है उसने। ओके गाइज, इस गेम का स्टार्ट ऐसा हुआ है जैसे किसी गेम का स्टार्ट नहीं हुआ भाई आज तक पोकेमोन में। ओके, दिस इज अस। ओ नो, वॉट हम लोग क्या बोले। ओ, हमारे फोन है यहाँ पे। वेट, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। हम लोग वॉइड में गिर रहे हैं, इतना मेरे को समझ में आ रहा है। ओके, ओ डूड, इज इट आरसीएस। भाई साहब क्या चल रहा है ये आरसीएस, हमें हमारे फोन को क्या कर रहा है भाई। मेरा फोन नहीं चुराने का आरसीएस, मम्मी पापा को नहीं छूने देता मैं अपना फोन, ठीक है। तो तुझे घंटा छूने दूंगा मैं, भगवान हो चाहे जो भी हो तू। पोकेमॉन लेजेंड्स आरसीएस, डैम गाइस, इस गेम का स्टार्टिंग जो हुआ है जबरदस्त। लेट्स गो, ये कुछ अलग ही गेम होने वाले गाइस। ये नॉर्मल पोकन गेम नहीं है, अगर तुमने ट्रेलर्स वगैरह नहीं देखे हो। वेक अप भाई, कौन उठा रहा है मेरे को। ओ डू वेक अप, वोंट यू। आई विल मेक अप, रुक जाओ। ओ डूड, देर आर आर स्टार्टर्स एक्चुअली। वेट, व्हाट आर यू अलाइव माई बॉय। आई एम अलाइव सर, पर ये क्या है। ओके, तो प्रोफेसर हैं गाइस इस रीजन के, ये लग रहे हैं हम कहीं तो बीच में आ गए हैं भाई। हाँ ओके, ओ डूड पीछे वो माउंटेन है जहाँ पे पता नहीं क्या ही चल रहा है ऊपर। यू गेव मी क्वाइट द शॉक फॉलिंग फ्रॉम द स्काई लाइक दैट। ओ डू व्हाट, वी फेल फ्रॉम द स्काई, डैम बॉय, बट थैंक गुडनेस यू सीम अनहार्म्ड। ओके वेल दैट इज गुड। हु आर यू अंकल, एक्चुअली वेयर एम आई, पूछना चाहिए था मेरे को, मैं कहाँ पे होंगी। और मेरे फोन का क्या किया भाई आरसीएस ने, लेकर आऊंगा भाई उसे फोन में। आई लाइक टू आस्क यू द सेम, आई मीन यू फेल आउट ऑफ द स्काई, यू अंडरस्टैंड, कम नाउ, हु इन द वर्ल्ड इज दैट। या आई एम काइंड ऑफ ग्रेट, यू नो, आई मस्ट से योर क्लोथिंग इज अनयूजुअल। You won't happen to have an acquaintance in these parts, would you? I don't think मैं कहीं पर कहीं लाइक यहाँ पर किसी को जानता भी हूँ, मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर भाई। I see. You seem to be in a bit of a pickle. Yes, yes. Might I offer you directions? Do you have somewhere around here you could stay? अंकल आप समझ नहीं रहे। अगर मैं आसमान से गिरा हूँ, आपको लग रहा है क्या कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ? आपको आपको एक्चुअली लग रहा है क्या? कम ऑन, थिंक थिंक बड़ी। So you don't know anyone here and you don't even know where to spend the night. I don't, bruh. Yeah. I don't know what to do, bruh. Help kar do, uncle.
ये प्यारे प्यारे पोकन भाई मेरे को ऐसे घूर रहे हैं, मेरे को मन कर रहा है इधर ही रुक जाऊं मैं, क्योंकि आई थिंक हम करने वाले हैं। आई सी, वेल नो जेंटलमैन वुड अबैंडन अ पर्सन इन सच नीड। बिल्कुल सही बात है भाई। ओहो वाह भाई, पोकेमोन ही खुश हो गए मेरे को देख के, तो इतना क्यूट हूँ क्या मैं? मम्मी तो बोलती थी, पर मेरे को लगा बस मम्मी को ही अच्छा लगता हूँ मैं, क्योंकि लड़कियाँ मेरे से भागती थी। बट या नेवर माइंड, लेट्स टॉक अबाउट माई बैड लाइफ लेटर। ओ बट डू यू इवन नो वॉट अ पोकेमोन इज? ये मेरे से पूछ रहे हैं भाई, मेरे को जैसे नहीं पता पोकन क्या होते हैं, बट यू नो जस्ट फॉर फन मैं करने वाला हूँ, नॉट एग्जैक्टली मजे के लिए, जस्ट मजे के लिए कर रहा हूँ भाई मैं। नहीं पता भाई, नहीं पता मेरे को। यू डोंट नो, यू ट्रूली हैव ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे, हैवंट यू? दीस थ्री आर व्हाट आर कॉल्ड पोकन, ऑफ कोर्स दे आर। ओ यस, व्हाट माइट बी योर नेम? मेरा नाम है टुल्लू राजा। ओके, बकवास जोक्स बनाना बंद करेगा मैं। और अंकल आप कौन हो? लैमिंटन है भाई इनका नाम, और ये है यहाँ के पोकेमोन प्रोफेसर, दैट इज ग्रेट। तो वैसे मेरे को लग रहा है कि हम लोग बहुत ही पुराने टाइम पे आ गए हैं, क्योंकि लाइक तुम वर्ल्ड ही देख लो भाई आसपास का, ऐसा लग रहा है ना। तो लग रहा है कि हमें आरसीएस ने कोई पुराने जमाने में छोड़ दिया है भाई, जो कि अजीब बात है। टाइम ट्रैवल हो रहा है भाई पोकेमोन में अब, डैम। जो कि हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो फिर टाइम ट्रैवल के लिए सब कुछ है पोकेमोन के पास। पोकेमोन के पास डियाल्गा है भाई, डियाल्गा टाइम ट्रैवलर है भाई। ओ ब्लास्ट एंड ब्रदर, माई डार्लिंग पोकेमोन, वाई मस्ट यू रन फ्रॉम मी अगेन? ये अच्छा, वो भाग गए क्या वो लोग? जाओ अंकल पकड़ के आओ उनको, तब तक हम घूमते हैं इधर थोड़ा सा। ये आई थिंक लाइक ओपन वर्ल्ड। ओ डूड, 3D कैमरा, लेट्स गो पीपल, आई एम लविंग इट। ये पहला गेम है जिसमें पूरे गेम में 3D कैमरा होने वाले गाइस। ओ वहाँ पे कुछ है, पता नहीं क्या है। मैं तो गाइस सही बता रहा हूँ, आई लव एक्सप्लोरिंग गेम्स यार, मेरे को गेम एक्सप्लोर करने में इतना मजा आता है ना। एक्चुअली मैं ये देखना चाहता हूँ मैं इसमें बैठ सकता हूँ क्या यार। मैं गाइस एज अ पोकेमोन फैन आई हैव टू से दिस, डीएम बॉय, पहली बार कोई ऐसा पोकेमोन गेम आया है जहाँ पे हम एक्चुअली लाइक खुल के एक्सप्लोर कर सकते हैं यार, कितनी सही चीज़ है भाई, लेट्स गो मैन। लाइक मेरा पोकेमोन फैन अंदर ही अंदर जो है ना वो भाई, ही इज जस्ट क्राइंग मैन, उसको ये भाई सालों से चाहिए था और आ गया भाई फाइनली। ओके वेल लेट्स सी, आई डोंट थिंक यहाँ पे और कुछ है, हम लोग ज़रा चलते ही हैं, हम कुछ और कर सकते हैं। हम लोग बैठ सकते हैं इसे, दैट्स ग्रेट। ओ डूड हमारा, ये हमारा फ़ोन तो नहीं है भाई, कुछ और ही है ये तो। दिस इज ग्लोइंग ब्लीपिंग बीपिंग ऑब्जेक्ट ओवर देयर, वो दिस इज डेफिनेटली माई फ़ोन, पर इसने कुछ कर दिया है मेरे फ़ोन को कुछ। ये कैसे पोकेमोन की आवाज़ है भाई? तुमको कुछ आवाज़ आ रही है पोकेमोन की? खैर जो भी है, पहले अपन अपना फ़ोन उठाएगा। You found something that resembles a phone. It's probably your phone, but it's changed shape. You feel a strange power emanating from it. Oh, okay. Message appeared. I bestow upon thee this arc phone and thee thy mission. Seek out all Pokemon. Okay, तो हमें RCS I think mission मिला है कि हमें सारी Pokemon को थोड़ा like बातचीत करनी है, उसे research करना है, I don't know man. We'll know more. अभी तो game चालू ही हुआ है. Professor वैसे वहाँ पर हैं. और मैं क्या कर सकता हूँ? बैठ सकता हूँ मैं. Okay. मैं भाग सकता हूँ, ओके। ओ डूड वेल अमेजिंग, ये मस्त चीज़ है भाई। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई मैं प्रॉपर प्लेस्टेशन का गेम खेल रहा हूँ इस बार, सही में। क्या यार, मतलब गाइस मैं सही बता रहा हूँ, आई कैन नॉट एक्सप्रेस ये गेम कितना मस्त फील हो रहा है भाई अभी। येट अनदर मिस, क्या हो गया भाई लैमिंटन? कैन आई हेल्प यू बडी बॉय? आई एम ग्लैड यू हैव कम टू माई रेस्क्यू, माई न्यू फ्रेंड फ्रॉम द स्काई। मेरा नाम ही ले ले भाई, कब तक बोलता रहेगा भाई तू? ये ठुल्लू राजा बुला ले भाई मेरे को, ऋषभ नहीं बुला सकता तो। आई ट्राइड कैचिंग माई लिटिल रन अवेज बाई टॉसिंग सम पोकेबॉल्स देयर वे, बट आई एम नॉट द बेस्ट एट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। ओ अरे हार गाइज, मैं तुम्हें भाई बताऊंगा भी नहीं क्या होने वाला है अभी बहुत ही सही चीज़ होगी आई थिंक, हम लोग इनको कैच करने का ट्राई करने वाले हैं, और इसमें कैचिंग मैकेनिक एकदम ही अलग है भाई, तो भाई मजे आएंगे। ओके सो हियर इज राउलेट, हम लोग ऑफकोर्स भाई राउलेट को जानते हैं, देयर इज सिंडोकिल, हम लोग सिंडोकिल को भी जानते हैं भाई, सिंडोकिल भाई काफी प्यारा प्यारा सा है। एंड जिसको मैं चूज करने वाला हूँ भाई, ओशोवॉट, यस ओशोवॉट इज द क्यूटेस्ट मैन, लाइक ही इज सो फ्रिगिंग क्यूट। मैंने बहुत पहले ही बता दिया गाइस मैं ओशोवॉट को चूज करूंगा। आई नो यार काफी सारे पोकन लाइक सॉरी पोकन नहीं काफी सारे लोग हैं जिनको सिंडोकिल पसंद है, पर यार आई पर्सनली लाइक ओशोवॉट। ओके ओ डूड 50 पोकेबॉल्स, आर यू किडिंग मी मैन, 50 पोकेबॉल्स। ओके ये गेम गाइस अलग ही चालू हो रहा है भाई, अलग ही चालू हो रहा है।
Now, I've mentioned already that Pokemon are strange, marvelous creatures. What's so strange about them, you ask? Well, each and every Pokemon is able to shrink itself into minuscule size. अच्छा, तो मतलब बेसिकली बोल रहा है कि बहुत ही छोटा हो सकता है कोई भी पोकेमोन जिससे वो पोकेबॉल में आ पाए. तो पोकेबॉल एक बहुत ही रीसेंट इन्वेंशन है इनके टाइम के हिसाब से. हम लोग तो भाई मॉडर्न टाइम में रह रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत सालों से आ चुकी है, पर इनके टाइम में अभी अभी आई है, जिसकी मदद से वो अगर पोकेमोन पे फेंकेंगे तो उसको पकड़ सकते हैं वो लोग. ठीक है ठीक है, चलो आपको मैं मदद कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नाउ द प्रॉपर टेक्निक इज टू एम एट द पोकेमोन एंड देन लेट द बॉल फ्लाई. अच्छा ठीक है, तो कई इसमें एकदम ही अलग मैकेनिक हम लोग भाई ट्राई करने वाले हैं पोकेमोन का, जो कि है थ्रोइंग द पोकेबॉल. हम लोग पहले क्या था, बैटल में कैच करते थे पोकेमोन, राइट? ओह, ये क्या गुस्सा हो रहा है क्या मेरे से? ए लड़के, ए भाई कितना सही है ना यार, तो मतलब ओपन वर्ल्ड में देख सकते हो ऐसे पोकेमोन. डूड इट्स अमेजिंग यार, इट्स अमेजिंग. मेरे से भाग रहा है भाई राउलेट. ए राउलेट कैसा है भाई? राउडर्स की पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी रहती है, वो थोड़ा मतलब एक्टिव रहते हैं भाई, थोड़ा इधर उधर देखते रहते हैं, कोई इनको फॉलो को नहीं कर रहा. अरे 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 ओशोवॉट कहाँ भागेगा भाई ये? तो इसको मैं पकड़ सकता हूँ पोकल फेंक के? पोकल एक्चुअली फेंकते कैसे हैं? अच्छा वो ओके, वो भाई ये देख रहे हो तुम, ऐसे भाई पकड़ दें पोकल इस बार यार. डैम बॉय, पकड़ में आएगा ये? ओ ऑफकोर्स भाई पकड़ में आएगा, लेट्स गो. स्टार्टअप पोकल का भी फेल थोड़ी ना होता है. ओ वंडरफुल, You've caught a Pokemon. Let's go, boys. हमारा starter Pokemon आ चुका है भाई हमारी Pokeball में. It seems you have quite the knack of for this Pokemon catching business, Rishabh. Yes, I do. चलो भाई बहुत ही बढ़िया. Only two of my darlings left now. Still, this is most unusual. You don't seem fearful of Pokemon in the slightest. बिल्कुल नहीं भाई, Pokemon से किसको यार डर लगेगा? अच्छा ये हमें बोल रहा है कि हमें दो Pokemon और पकड़ने. एक wait a second. Guys, don't tell me, हम लोग इसमें तीन तीन स्टार्टर लेके घूम सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल मैन. एक्चुअली मेरे को एक चीज देखनी है, हम लोग कितनी दूर से फेंक सकते हैं भाई पोकल? यहाँ से फेंक सकता हूँ मैं? नहीं यहाँ से तो मैं नहीं फेंक सकता आई थिंक. ओ डूड मैं फर्स्ट पर्सन में भी जा सकता हूँ भाई, ये गेम मुझे कितना इंप्रेस करेगा भाई, मैं जानना चाहता हूँ भाई सीरियसली यार. ओके मैं यहाँ से फेंक सकता हूँ. ओ वेट यहाँ से नहीं गई, थोड़ा ऊपर फेंकेंगे तो शायद चली जाए भाई और ऊपर. वाह वाह भाई, अभी मैं सीख ही रहा हूँ, चिंता मत करो. हाँ देर भी गो ना, अब आया ना भाई मजा. ये पकड़ में आएगा, लेट्स गो. ओपी पीपी हूँ क्या मैं? आई कैन हार्डली बिलीव इट ऋषभ, इनक्रेडिबल. थैंक यू सर, थैंक यू लेविंगटन. ओके चलो अब बचा है भाई बस सिंडरक्विल, जो कि भाई काफ़ी बदमाश टाइप का है. ये लड़के किधर आ? ओ भाई एक्चुअली बदमाश नहीं है भाई, काफ़ी जल्दी पकड़ में आ गया भाई, फालतू बदमाश सोच रहा था मैं इसको. ओ वेट वॉट ये? ओ नहीं पकड़ में आया भाई ये. ओ येस आई एम अफ्रेड दैट कैन हैपन. पोकेबॉल सर हार्डली 100% फुल प्रूफ. ओ गाइज ये बहुत सही चीज़ है यार, इन्होंने एक्चुअली बताया है तुम्हें इस बार ट्यूटोरियल फेज में कि जरूरी नहीं है कि हर बार पोकल पकड़ में आई ही जाए. मतलब हम ज़्यादातर ट्यूटोरियल में क्या होता है, भले ही फुल HP हो भाई पोकन पकड़ में आ जाता है भाई, पर इस बार भाई नहीं आया. अरे शिट, मैं एक्चुअली अगर पोकल मतलब फेंक देता हूँ ऐसी नॉर्मली तो मेरी वेस्ट होती है क्या? ओ डूड वेस्ट होती है. ओके मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस बारे में. अच्छा हमें अभी पता चल गया बॉयस. ओके इस बार पकड़ में आएगा? नाइस चलो बहुत ही बढ़िया, हमने तीनों पकड़ लिए भाई, और तीनों मेरे को लगता नहीं मेरे को मिलेंगे वैसे. तीनों मिल जाए तो भाई अलग ही गेम हो जाए. तो बहुत ही शुक्रिया, मजे आ गए भाई, तू सारे ले आया. यस बॉय, ये तीन पोकेमॉन जो है जस्ट अभी आए हैं विलेज में हमारी हेल्प करने के लिए रिसर्च में. ओके दैट इज अमेजिंग, दे वोंट येट लिसन टू एनीवन. अच्छा इसलिए भाई बात नहीं मान रहे इसकी, समझ गया मैं समझ गया. बोलना पड़ेगा भाई ऋषभ कि बोलना पड़ेगा, ठुल्लू राजा तुझे पोकेबॉल्स यूज करना तो आता है? बिल्कुल आता है भाई मेरे को, क्यों नहीं आता भाई, बचपन से करते आ रहा हूँ भाई मैं. पर यह है कि एक्चुअली थ्रो नहीं करनी पड़ती थी पोकेबॉल, अब इस बार एक्चुअली थ्रो करनी पड़ रही है भाई. सीक आउट ऑल पोकेमॉन, दैट ऑब्जेक्ट इज एन आर्क फोन यू से. What an odd device. Could it be guiding you somehow? वही मैं तो पूछ रहा हूँ अंकल. If you will indulge me for a moment, there's something I'd like to share with you. You see, I have a dream to compile this region's first complete record of its Pokemon. अच्छा Pokédex fill करने की बात कर रहे हैं लोग. We in the field call such a catalog of Pokédex. हम भी वही बुलाते हैं अंकल. आप कोई नए बंदे नहीं हो. ये सब प्रॉपर Pokédex is a wonderful work of research containing detailed rocks, records of all. The Pokemon to be found in a region.
ओके. मैं तो भाई सही में वो पीछे जब भी पहाड़ देखता है ना भाई, मैं सोचने लगता हूँ भाई चल क्या रहा है वहाँ पे. लाइक सीरियसली ब्रो, वहाँ पे क्या चल रहा है भाई? आसमान ऐसे फटा हुआ है भाई, अजीब ही कुछ हो रहा है भाई उधर. मजा आएगा भाई उधर जाने में. मैं तो बोलता हूँ जैसे ही फ्लाइंग वाला बोगन मिले ना, सबसे पहले उधर जाएंगे भाई हम लोग. और वैसे बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं लिए भाई इस गेम के. जितना मैंने ट्रेलर देखे थे उतना ही देखे. इस मेरे को इतना पता है कि इस बार जो हमारे पोकेमोन है उनका थर्ड इवोल्यूशन भाई अलग होने वाला है. जो हमारे स्टार्टर्स हैं वो मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, पर मुझे पता है कि अलग होगा. सो दैट इज ऑल्सो गुड. तो ये बेसिकली हमसे बोल रहा है अभी कि क्यों ना तुम मेरी पोकेडेक्स फिल करें, मदद करो. बिल्कुल करेंगे भाई, क्यों नहीं. कम ऑन नाउ, यू हैव कन्विंस्ड मी मैन. बिल्कुल करूंगा मैं. मेरे को वैसी पोकन पसंद है इतने, तो क्यों नहीं भाई. आई वेलकम यू विथ ओपन आर्म्स. वी हैव अ पोकेडेक्स टू कंप्लीट. मेरे को पता है फनी चीज़ क्या लग रही है वॉइस. हर पोकन गेम में हमारी मम्मी खड़ी रहती है भाई घर के अंदर, उनसे परमिशन लेके हमें जानी पड़ती है. सोचो हमारी मम्मी अभी क्या सोच रही होंगी भाई कि मेरा बच्चा कहाँ ही चला गया भाई, उनको पता ही नहीं है. ये अच्छा किया भाई इन्होंने, पोकन वालों ने. उनको भी पता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई मम्मी से परमिशन लेनी है कि नहीं लेनी है भाई. सीरियसली भाई, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स गेट दिस पोकेमॉन बैक टू द विलेज. ओके चलो ठीक है. देन वील सॉर्ट आउट योर लॉजिंग्स एंड फाइंड यू सम प्रॉपर क्लोथ्स एंड अ व्हील एंड ऑल दैट. अरे भाई हमें अपना खुद का घर मिलने वाला है बॉयस, आई मीन किराए का घर मिलने वाला है. फॉलो मी देन ऑनवर्ड टू जुबिलाई विलेज. ओके चलो. तो हम लोग जुबिलाई सिटी तो जानते ही हैं भाई, सिनो रीजन में होती है, पर जुबिलाई विलेज हुआ करता था कभी ना कभी, है ना. मतलब गाँव था ऐसे ही भाई, दिल्ली भी कभी गाँव होगा. सही बात है कि नहीं? तो वही भाई अभी चल रहा है, पुराने ज़माने में आए तो गाँव है भाई अभी जुबिलाइफ. इस जगह का क्या चल रहा है भाई ये हमें पता लगाना पड़ेगा. लाइक उसके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं ये लोग भाई. वो बिजली से क्या चमक रही है वहाँ पे. ओके आई थिंक दिस इज जुबिलाइफ विलेज. हाँ थैंक यू फॉर योर टायरलेस वर्क कीपिंग अस सेफ माई गुड गार्ड्समैन. चलो हम भी चलते हैं भाई. यहाँ के गार्ड्स हैं ये लोग वैसे. नॉइस वैसे गार्ड किसी से कर रहे हो? मतलब तुम लोग यहाँ पे क्या लड़ाई वड़ाई चलती है क्या? जैसे क्लैन वॉर हो जाती है क्या यहाँ पे भाई? ओ भाई यार, लाइक विलेज एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई. और इसको एक्सप्लोर करने में कितना मज़ा आएगा सोचो तुम. मतलब 2D गेम्स में यार इतना मज़ा नहीं आता है ना, पर इसमें तुम एक्चुअली एक्सप्लोर करने के मज़े ले पाओगे यार. दिस वे इफ यू प्लीज. बस इसे एक बार बातचीत खत्म कर. ओ एक्चुअली हम लोग निकल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम लोग इसको फॉलो ही करें. ओके दैट वन लुक सस्पिशियस. अरे मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे को अभी से जज करने लगे भाई ये लोग. मैं नॉर्मल बंदा हूँ भाई, कपड़े तुम्हारे जैसे नहीं पहने तो क्या हुआ. मतलब वेयर डिड ही कम फ्रॉम भाई? सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं बॉयज. ये देखो अंकल आंटी सब, व्हाट मैनर ऑफ ड्रेस इज दैट अंकल. मैं मॉडर्न बच्चा हूँ मैं, सुन लिया मैंने. वैसे बोल रहे थे क्वाइट हील हियर यू. भाई साहब डज द प्रोफेसर नो दैट किड? भाई क्या बात कर रहे हैं सब लोग मेरे बारे में भाई. पॉपुलर किड हूँ भाई मैं तो. ओ बॉदरेशन, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट. I need to go and report that we successfully recovered that escaped Pokemon. Might I ask you to wait for me at the canteen? Canteen भी है यहाँ पे. ओ भाई क्या बात करो भाई, जिंदगी में कभी आज तक कैंटीन देखी नहीं मैंने. तुम्हारे स्कूल में वैसे कैंटीन है क्या बॉयस? ये हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए मतलब ये एक लग्जरी चीज़ होती थी भाई, कैंटीन है हमारे स्कूल में. ओ भाई मज़े आ जाते थे. रॉक फोन इज बीपिंग, somehow it seems to show where you need to go next. अच्छा ओके तो वे पॉइंट्स वगैरह बेसिकली हमें दिखाता है. क्या बात है भाई, RCS himself is assisting us. बहुत ही बढ़िया, क्योंकि लाइक ये ओपन वर्ल्ड काइंड ऑफ गेम है तो ऑफकोर्स भाई हमें मतलब वो तो चाहिए ही थे. क्या बोलते हैं, जैसे मार्कर चाहिए थे जैसे हमें पता चल पाए हम कहाँ जा रहे हैं. मेरे को एक्चुअली थोड़ा एक्सप्लोर करना है भाई जाने से पहले, तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली जा नहीं सकते अभी. नॉट नाउ, यू बेटर हेड टू वॉल फ्लावर. ओके चलो ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है, पर ठीक है चलो बाद में. हाँ क्या हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे. मैं एक बंदे से बात करना चाहता हूँ. ओके ये लोग तो ऐसे कुछ खास बोल नहीं रहे हैं. कोई नहीं भाई कोई नहीं, यहाँ पे खेती बाड़ी चल रही है भाई. बढ़िया, मैं और एक्सप्लोर करूँगा यार इस जगह को एक बार मैं. ओ डूड हम थकते भी हैं इस गेम में. ओके चलो ये अच्छी बात है, ऑफकोर्स थकते हैं भाई. थकेंगे नहीं तो फिर तो भाई बहुत गलत हो जाएगा. मतलब एक्सप्लॉइट करेंगे भाई इस चीज़ को फिर लोग हैं. चलो यहाँ पे जाने हम लोग को कैंटीन में, थोड़े समोसे पेलते हैं भाई, समोसे चाय खाते हैं फिर जाएंगे भाई वहाँ पे. वेल नाउ आंट यू ऑफली सस्पिशियस. सस्पिशियस क्यों अंकल? द वॉल फ्लावर्स फॉर गैलेक्सी टीम 4 ओनली, वी डोंट हैव सीट्स फॉर आउटसाइडर्स, मूव अलोंग. व्हाट द व्हाई ब्रो,
कितनी गलत बात है भाई, कितने रूड था वो बंदा। वो भाई चलो एक लड़की आई है भाई हमें मदद करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है भाई। इफ द गार्ड लेट यू थ्रू यू मस्ट हैव टाइज विद समवन इन द विलेज। यस बॉय आई मीन गर्ल। इसका एक्चुअली अगर मैं नाम रख सकता हूँ तो जीरो रख दूंगा भाई, सही रहेगा। Perhaps you've met Professor Laventon. He is a scholar from a far away place. His Pokemon do get away from him at times though. Wow, bhai. Kaisa professor hai phir ye? Pokemon hi nahi sambhal pa raha apne. I was hit by Pokemon move called Thunder Shock not long ago and had to take to my bed. Wait, what? Dude, अरे हाँ यार, इसमें guys Pokemon तुम पे भी attack कर सकते हैं वैसे, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो Pokemon can attack you in this game. That is very interesting यार, मतलब पोकेमोन से बच बच के निकलने पड़ेगा भाई हमें। अब सोचो भाई कोई ऐसा गार्चोम्प हो भाई, गार्चोम्प तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा, है ना, मजे आ जाएंगे भाई। अनफॉर्चुनेटली इट्स जस्ट एज अकारी सेज, आई एम अ क्लम्सी सॉर्ट ऑफ फेलो टू पुट इट माइल्डली। ओह ओके, अचानक से प्रोफेसर आ गए भाई, सुन लिया भाई अकारी की बात, सुन ली भाई उन्होंने। ओह नो लॉल भाई, बट एवरीथिंग विल बी क्वाइट ऑल राइट नाउ। ऋषभ हियर हैज अग्रीड टू हेल्प अस विद आवर पोकेडेक्स। और ये कैसे रिएक्शन है अकारी? एक्सक्यूज मी, यू प्लान टू अपॉइंट हिम टू द सर्वे कॉम्स? यू कैन जस्ट स्लैप अ बैज ऑन हूएवर यू लाइक विदाउट कैप्टन साइलिन्स परमिशन। ओके, तो साइलिन लग रहा है कि ओके ये है क्या साइलिन? ओ तो वैसे इसमें कुछ नई गैलेक्सी टीम के ये लोग बात कर रहे हैं, वो थोड़ा जानना पड़ेगा भाई क्या है। आई एम द कैप्टन ऑफ गैलेक्सी टीम सर्वे कॉम्स, यू मे कॉल मी साइलिन। ओके गाइस, तो तुम्हें लाइक टीम गैलेक्सी और लाइक टीम गैलेक्टिक सेम सा नहीं साउंड कर रहा? मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि टीम गैलेक्टिक जो है वो गैलेक्सी टीम से ही बनी है भाई। क्या पता लाइक आगे जा के ये लोग कुछ तो भाई गलत करने वाले हों, क्या पता इस गेम में पता चले कि टीम गैलेक्टिक एक्चुअली कैसे फॉर्म हुई भाई। ये हो सकता है भाई। प्रोफेसर लेवेंटन हैज टोल्ड मी हाउ यू हेल्प सिक्योर हिज पोकेमॉन व्हेन दे स्लिप्ड हिज कंट्रोल। यस गर्ल, आई डिड हेल्प हिम। यू लुक टू बी 15 और सो। वो 15 साल के हम लोग, क्या बात है। चलो पोकेमोन गेम्स में ज़्यादातर हम 10 साल के दिखाए जाते हैं, पर चलो इस गेम में थोड़ा सही है। टुमारो वी शैल सी इफ़ यू कैन प्रूव योर सेल्फ वर्दी। ओ भाई, हमारा पहले टेस्ट होने वाले भाई ये जानने के लिए कि हम लोग एक्चुअली वर्दी हैं क्या सर्वे कॉम्प्स के लिए। सर्वे कॉम्प्स आई एम अज्यूमिंग के वो बंदे जो कि पोकेमोन का डेटा कलेक्ट करते हैं वो सब होगा। चलो भाई बढ़िया, मेरे को अटैक ऑन टाइटन वाली फीलिंग आ रही है पता नहीं क्यों। चलो पर ठीक है, हमें कम से कम भाई परमिशन तो मिल गई है, यहाँ के हेड से हमें परमिशन मिल गई है, हम लोग काम तो कर सकते हैं भाई इन लोगों के साथ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। साइलिन ने बताया क्या बोला? साइलिन ने बोला कि मुझे तो अकेला खाना पसंद है, तो मैं तो अकेले जाके खा रही हूँ, तुम लोग कहीं और खा लो। वाह भाई बहुत ही बढ़िया, ऐसे लोग कहीं कैसे होते हैं भाई, है गलत बात है ये। अरे वाह, ये और सही है एक्चुअली, बाहर जाके खाने में तो अलग ही मजा आते हैं भाई। कोरोना ना होता तो मतलब अलग ही बात होती वैसे, अच्छा होता। और पर चलो गेम है, गेम में क्या ही कोरोना देखा जाए तो। वेर एग्जैक्टली डिड यू मीट आर विजिटर हियर? मेरा नाम ऋषभ है वैसे। अच्छा, तुम्हें वो ग्रेट होल पता है स्काई में जिसको लोग स्पेस टाइम रिफ्ट बोल रहे हैं? हमारा ये लड़का वहीं से गिर के आया है भाई, ये तो मेरे को भी नहीं पता था। मेरे को पता नहीं था हम लोग उस होल से गिर के आए भाई। यू कांट बी सीरियस भाई, इसके एक्सप्रेशन देखो यार कितने मस्त हैं। इस गेम में एक्सप्रेशन में तो अच्छा काम किया है भाई इन्होंने। हमारा काम है सर्वे कॉर्प्स में रिसर्च करना ऐसे क्रीचर्स को जो कि कई जगह पे पाए जा सकते हैं। ओके, हमें अभी तक इतना पता है कि पोकन बहुत ही टेरिफाइंग क्रीचर्स हैं। अरे नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो आप यार, कुछ भी मतलब कितने प्यारे होते हैं भाई पोकन। ऑफकोर्स मतलब कुछ कुछ खतरनाक हो सकते हैं वो अलग बात है, और ये इम्पॉसिबल है जानना कि उनके पास कैसी कैसी पावर्स होंगी और कैसी कैसी वो लोग चीज़ें कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आप पुराने ज़माने में रह रहे हो, पर अभी तक तो सब पता चल चुका है। देखा जाए तो सब कुछ पता चल चुका है। एक्चुअली वेट, सब कुछ पता नहीं चल चुका है भाई, हमें बस 4-5 साल पहले पता चला है कि पोकन मेगा इवॉल्व भी हो सकते हैं। तो क्या पता भाई और क्या क्या पढ़ाओ भाई अभी तो जानने के लिए। हमारे ठुल्लू राजा ने सक्सेसफुली 3 पोकन पकड़ लिए थे, तो ये काफ़ी जल्दी जल्दी सीख रहा है, तो टीम गैलेक्सी के लिए काफ़ी ज़्यादा केपेबल हो सकता है और हम लोग अपनी रिसर्च चालू कर सकते हैं। 3? ये तो मतलब काफ़ी हार्ड है कैच करना। पोकन कैच करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि तुम उनके सबसे ज़्यादा पास जा पाओ और फिर उन पर सही से एम करके पोकन पकड़ लो। ओके, मेरे को लगा था कि थोड़ा दूर से ही पकड़ना चाहिए, पर अपेरेंटली थोड़ा पास जाके हम पकड़ेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। ओके, ओ योर कैप्टन जस्ट ऑर्डर 10 होल पोर्शंस ऑफ पोटैटो मोची, यू नो द स्लो प्रोग्रेस ऑन द पोकेडेक्स ऑफ योर्स क्लियरली हैज हर ओन एज। ओ माय गॉड भाई, कितना खाती है भाई वो शायल, 10-10 चीज़ें मंगा ली भाई उसने पता नहीं क्या भाई। चलो हम तो मजे से खाएंगे भाई, हमें ऐसे एकदम से भाई ठूसना नहीं है खाना। आई लाइक टू सेवर माई फूड ब्रो, तभी मज़ा आता है भाई खाना खाने में।
नहीं तो तुम ज़्यादा खा ले होते हो ना, तो फिर भाई मन करता है कि यार मैं खाऊंगा ही नहीं इसके बाद कभी। ये पानीपुरी अगर तुम 50 खा ली तो मन ही नहीं करेगा भाई एक हफ्ते तक खाने का। दैट वॉज क्वाइट डिलीशियस इंडीड, इट वॉज ब्रो। मैंने खाए नहीं पर मेरे को आई कैन इमेजिन अच्छा होगा, आई होप अच्छा हो भाई। येस द फूड वॉज लवली, बट मोर इम्पॉर्टेंटली यू डू रिमेंबर दैट ऋषभ हैज़ अ ट्रायल टू पास। अरे यार ये ट्रायल मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई क्या होने वाली है, भाई ये ट्रायल क्या होने वाली है। चलो होपफुली हम पास कर लें, शायद भाई इतनी डिफिकल्ट तो ट्रायल नहीं देगी हमें आज के लिए। तो चलो तुम एक काम करो, जाके सो जाओ, उसके बाद हम लोग कल मिलते हैं। ओके ओके गर्ल, ऐसे ही करते हैं बिल्कुल से। यहाँ पे कुछ तो भाई लॉजिंग्स होनी चाहिए हमारे लिए, मतलब किराए का घर होना चाहिए। पर अगर तुम फेल हो गए ट्रायल में तो फिर हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। अरे ओ भाई हमें विलेज से ही निकाल देंगे भाई ये लोग। व्हाट, ये क्या बोल रहे हैं भाई, हम मर सकते हैं वाइल्ड्स में? ये वर्ड ये लोग यूज कर सकते हैं क्या पोकेमॉन गेम्स में? गाइस कैन दे यूज द वर्ड डेथ इन पोकेमॉन गेम्स? मेरे को पता नहीं था। आई मीन दैट इज एक्चुअली अ थिंग, मैंने कभी भी आज तक ये वर्ड यूज करते हुए देखा नहीं भाई पोकेमॉन को। मतलब ये तो काफी ज्यादा ही डरा दिया यार मेरे को दीदी जी ने, ये तो कुछ ज्यादा ही गलत बात है भाई। हो सकता है विलन निकले भाई बाद में जाके। चलो अंकल जी गुड नाइट, मैं अच्छे से रेस्ट करना पड़ेगा मेरे को, एक्चुअली नींद ही कहाँ आएगी मेरे को अब, इतना डरा दिया उन्होंने भाई। एग्जाम के एक दिन पहले कहाँ नींद आती है भाई बताओ सही में। अ रिफ्ट इन द स्काई, पीपल फॉलिंग फ्रॉम इट, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज, यस इट इज। ये तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है यार, एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या आरसीएस ने वहाँ पे रिफ्ट खोल रखा है जिससे कुछ कर सके वो? पता नहीं क्या करना चाहता है एक तो आरसीएस, ये भी समझ में नहीं आ रहा। वो ये कौन सी जगह है ये? अंकल व्हाट्सअप, अंकल जी क्या चल रहा है? मैं जाके ज़रा देख सकता हूँ पीछे क्या चल रहा है आपके यहाँ पे? कुछ तो बना रहे हैं भाई पता नहीं क्या। दिस मस्ट बी सम काइंड ऑफ वर्क बेंच। अच्छा वो क्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है गाइस यहाँ पे, एक सेकेंड। ओ डूड हम लोग यहाँ पे बाद में कुछ कर सकते हैं लग रहा है, हम लोग कुछ क्राफ्ट क्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ है। अच्छा ये लोग ये सब हम लोग अभी खरीद नहीं सकते ना, लेकिन कुछ खरीदने को है तो सही, पर क्योंकि भाई हमारे पास अभी पैसे भी नहीं है और हमने अभी प्रोलॉग ख़त्म भी नहीं किया है तो ऑफकोर्स नहीं कर सकते। चलो यहाँ पे चलते हैं, आई थिंक हमारे भाई किराए का मकान होने वाला है। ओ यस इट इज, यस यस यस। ओ भाई थोड़ा खाना भी पका सकता हूँ मैं यहाँ पे, देखो प्याज व्याज लटक रही है भाई ऊपर, प्याज टमाटर नाइस। इट्स अ जार ऑफ ड्रिंकिंग वाटर नाइस। चलो मकान तो ऐसे देखा जाए तब बुरा भी नहीं है भाई। ओ डूड अरे क्या बात है यार, ये तो मेरे को प्रॉपर भाई सही में ओपन वर्ल्ड गेम की वाइब दे रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया। चेस्ट वगैरह भी मतलब दिए उन्होंने ना अब सामान पैक करने के लिए उसमें। सर्वे कॉम्प्स टिप्स, क्या टिप्स है भाई? अच्छा हम लोग अब बटन से कभी भी हेल्प सेक्शन खोल सकते हैं, ठीक है हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। ओ वेट सेव करने के लिए क्या किया था उन्होंने? टू सेव योर प्रोग्रेस प्रेस अप बटन टू ओपन द मेन्यू देन स्क्रोल विद द जेड एल जेड आर बटन ब्ला ब्ला ब्लू। ओके अच्छा ओके, तो ऑटो सेव ऑन है क्या अभी? ऑटो सेव मैं वैसे ऑफ कर देता हूँ, ऑटो सेव गाइस अच्छा नहीं रहता है। लेट्स सी सेव करने के लिए, ओ सेव योर प्रोग्रेस ओके। चलो भाई यूआई तो इसका यार बहुत ही तगड़ा है भाई, यूआई तो एक्चुअली बहुत तगड़ा है। ऑटो सेव यार ऑन नहीं होना चाहिए। अरे वाह क्या बात है, इन्होंने ऑलरेडी लाइक फास्ट टेक्स्ट दिया भाई। पोकेमॉन वालों को अब समझ में आ गया कि लोग एक्चुअली चाहते क्या है भाई, है ना? क्योंकि सबसे पहले काम लोग क्या करते थे, टेक्स्ट वीडियो ही फास्ट करते थे। बहुत अच्छा किया भाई इन्होंने, बहुत ही अच्छा किया। और आई थिंक इतना बहुत है, आई थिंक इतना बहुत है भाई, हमें यही करना था। चलो स्लीप करते हैं भाई, आज के लिए बहुत है इतना ही, मतलब वो सॉरी एपिसोड में नहीं है, अभी तो एपिसोड में भाई मेरे को बहुत एक्सप्लोर करना है भाई, कम से कम मेरे को एक और पोकन पकड़ना है भाई। ओ डूड ओके समथिंग इज हैपनिंग। ओ ओ बिडू व्हाट्सअप, ओ डैम व्हाट, ओके ये क्या हुआ भाई अचानक से? द नेक्स्ट डे भाई ऐसी, नेक्स्ट डे क्या भाई कुछ बताओ क्या हुआ? चलो अभी पता चलेगा भाई साहब, वो रिफ्ट कुछ अलग ही भाई कांड कर रही है भाई। गुड मॉर्निंग ऋषभ, आर यू अप? क्वाइट सम लाइटनिंग लास्ट नाइट वॉजंट इट? बिल्कुल यार, टुडे इज द डे ऑफ योर ट्रायल। अरे भाई मैं ज़्यादा तो नहीं सो लिया कहीं? मैं ऐसा बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ भाई ऐसा, ये मेरी बहुत ही नेचुरल हैबिट है भाई। ओके मुझे कुछ करना तो नहीं यहाँ पे, खाना पानी खा के जाऊँ क्या? नहीं भाई नाश्ता कहीं और कर लेंगे, बाहर कोई एक दो समोसे खा लेंगे भाई, हो गया अपना नाश्ता और क्या।
what a lovely weather you've got. I hope you had a nice sleep, even if this land is strange and new to you. Yes, वैसे मेरे को बात करनी नहीं चाहिए इस बारे में. चलो ये जब मेरे को जाने देगी तब मैं बताऊंगा. Let's get to headquarters. Captain Sainil is waiting. Shailen बोल रहा था उसको मैं. भाई बहुत ही अजीब नाम है भाई इसमें यार. सही में मैं उसका प्रोफेसर का अभी से नाम भूल चुका हूँ. भाई लेवेंटिन वगैरह पता नहीं क्या था उसका नाम. मैं बोल रहा था कि मैंने समोसों की बात की थी तो मेरे को याद आया भाई समोसे तो यार यहाँ पे बहुत सस्ते होंगे, क्योंकि मेरे पापा वही हमेशा बोलते थे कि उनके टाइम पे लाइक समोसे और कचौड़ी वगैरह बहुत सस्ती होती थी भाई. मतलब 5 रुपये की 2-3 आती थी ऐसा कुछ. पूरी की बोलते थे, हाँ पूरी सब्जी की बोलते थे. 1 रुपये में कुछ 2-3 पूरी आती थी. ये तो टाइम बहुत पुराना है, क्या पता यहाँ पे भी आती हो भाई. एक्चुअली जब मैं भी छोटा था ना, जब मैं कुछ 6-7 साल का था, तब 5 रुपये का एक समोसा आता था भाई. अब तो बहुत महंगा हो गया भाई, 15-20 रुपये का एक समोसा आता है यार. बहुत महंगा हो गया भाई, पता नहीं क्यों, क्या वैसे टाइम निकल रहा है तो सब कुछ महंगा हो रहा है इसलिए. और क्या, द सर्वे कॉम्प्स ऑफिसेस आर हियर ऑन द फर्स्ट फ्लोर. डोंट गिव अप, कीप दोस आईज ओपन. ये क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ नए बंदे बात कर रहे हैं भाई. द वाइल्ड पोकन दे वर एवरीवेयर अटैकिंग फ्रॉम ऑल साइड्स. आई सेंट आउट माई पार्टनर पोकन बट अगेंस्ट द होल पैक आउट नंबर्ड. ओ भाई कुछ तो हुआ है, कुछ तो बहुत ही गलत हो गया है भाई, जाके देखना पड़ेगा. दैट मैन्स विद द सिक्योरिटी कॉम्प्स एंड इवन विद हिज ओन पार्टनर पोकेमॉन ही टुक अ बीटिंग फ्रॉम अ वाइल्ड पोकेमॉन. ओके तो भाई कुछ तो मतलब सीरियस हुआ है भाई, लग रहा है कुछ बहुत ही सीरियस हो गया गाइस. वो बिजली गिरी थी उसी से कुछ कनेक्टेड होगा भाई, ऐसे ही हो सकता है. मतलब वही हो सकता है और क्या होगा. कैप्टन शाइलिन ऋषभ इज हियर. यस आई एम, यू मे एंटर. लेट्स सी भाई आखिरकार हुआ क्या है. ओके गर्ल टेल मी, लेट अस गेट स्ट्रेट टू इट. इफ यू विश टू जॉइन गैलेक्सी एक्सपीडिशन टीम, प्रूव योरसेल्फ कैपेबल बाय गोइंग आउट इनटू द ऑब्सीडियन फील्ड लैंड्स एंड कैचिंग 3 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ पोकेमॉन. ओ अब आने वाले ना भाई मजे, यही तो चाहिए था भाई. लेट्स गो बिडू चार्ली एंड शिंक्स. अरे इजी पीजी, कैचिंग 3 पोकन फ्रॉम द स्टार्ट, नो वन इन गैलेक्सी टीम हैज एवर मैनेज्ड दैट. आर यू किडिंग मी, लाइक रियली. आई मीन ये तो बहुत सिंपल होना चाहिए भाई, ये तो बहुत ही सिंपल होना चाहिए. डिड द स्ट्रेंजर नॉट कैच 3 डिफरेंट पोकेमॉन ओनली यस्टरडे. आई डिड कैच, या आई मीन मेरे हिसाब से सिंपल होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट. इफ यू विश टू स्टे यू मस्ट प्रूव योरसेल्फ. अरे बिल्कुल प्रूव करेगा मैं यार, बिल्कुल प्रूव करेगा. वैसे वो एब्रा भाई, इसका एब्रा है क्या ये. आई लेंड यू वन ऑफ द सर्वे कॉर्प्स सैचल्स टू कैरी व्हाटएवर यू मे नीड. अच्छा ओके चलो, हमें बस्ता भी मिल चुका है भाई, फैनी पैक, बहुत ही बढ़िया. हम एकदम तैयार हैं भाई जाने के लिए. ये सैचल मैच सा नहीं कर रहा है, मतलब तेरी ड्रेस से कर तो नहीं रहा देखा जाए तो. या चलो भाई आई थिंक आई एम रेडी टू गो. आई थिंक मैं आराम से भाई कर सकता हूँ. क्या बात है यार, हमें मिशन ऑलरेडी हमारा फर्स्ट वाला मिल चुका है. लेट्स गो एक्टिवेट क्वेस्ट. चलो हम लोग भाई क्वेस्ट देख सकते हैं वाई से. अच्छा हम कंसल्ट कर सकते हैं मैप को. ओके मिशंस करने हैं हमें प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए. ऑफकोर्स भाई इतने तो मैंने गेम खेले हैं कि मेरे को पता है भाई, ठीक है इतने तो मैंने गेम खेले हैं भाई. चलो भाई बहुत ही बढ़िया, मुझे जाने दो भाई, मेरे को क्वेस्ट करनी है अपनी. ए लेवेंटिन चुप हो जा तू, अब हाँ कर लूंगा मैं, चुपचाप बैठ जा भाई तू. ओ डू वे ओ डूड, मैं तो भूल ही गया था, मैंने अभी तक अपना शार्टर पोकन ही चूज नहीं किया भाई. डूड आई एम छुल्लू राजा मैन, दिस इज भाई माई नेम इज छुल्लू राजा ब्रो. पिक द पोकन दैट स्ट्राइक्स योर फैंसी. ऑफकोर्स आई विल. विच पोकन वुड यू लाइक टू कीप एज योर वेरी ओन. एज आई सेड गाइस, मैं ऑफकोर्स चूज करने वाला हूँ ऑशोवॉट को. आई लव ऑशोवॉट मैन, आई रियली लव ऑशोवॉट. लेट्स गो, I am keeping him as my partner, yeah. Hey, Oshowati, Oshiwati. इसका कुछ निकनेम रखते हैं गाइस, इसका कुछ निकनेम रखना पड़ेगा भाई हमें. क्या निकनेम रखें भाई इसका. And with that, one of the Pokemon you caught at Prelude Beach for me will now be yours. Thank you, boy. Thank you. भाई पोगल कितनी अलग लग रही है ना इस गेम में. हाँ भाई, क्योंकि इस गेम में आई थिंक अभी लाइक हुई हैं. इन्होंने वैसे बताया था अभी इन्वेंट हुई है पोकेबॉल, तो इसलिए भाई इतनी अलग लग रही है. पर बाद में जाके और उनको थोड़ा छोटा कर दिया जाता है और थोड़ा डिज़ाइन और मॉडर्न कर दिया जाता है भाई पोकेबॉल्स का. थैंक यू, मेरे लिए भाई चीयर कर रहे हैं ये लोग, सिंडकविल और राउलेट. यार क्या बात है, इधर सही होता है ना पोकन भाई. चलो इसी के साथ हम लोग भाई निकलते हैं. लेवेंटिन अगर तूने एक और शब्द बोला तो मैं तेरे को
पहले मार देना है भाई, भाई जाने दे भाई मेरे को प्लीज यार। तू 20 पोकल और दे दिए इन्होंने हमें, पाप रे। हमारे पास कुछ 70 पोकल हो चुकी है भाई, डैम। टर्न लेफ्ट आफ्टर यू एग्जिट द हेडक्वार्टर्स देन हेड टू द गेट। ओके चलो ठीक है, तो ये एक्चुअली मेरे को जरूरत थी, मेरे को पता नहीं था कहाँ से जाना है मुझे। मेरे को मन तो कर रहा है कि मैं यहाँ पर भी थोड़ा घूम लूँ, घूम ही लेते हैं चलो। यहाँ पे ये है शाइलीन, वो यहाँ पे कौन है, ये एनीज है, और ये तो नर्स जॉय लग रही है ब्रो, ये तो नर्स जॉय लग रही है। यहाँ पे एक्चुअली नर्स जॉय होगी है, क्योंकि यहाँ पे बेडरूम्स वगैरह भी हैं। ओह ये बंदा बीमार है भाई, कोरोना वोना हो रखा होगा, मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ इससे। भाई नीचे जाने के लिए भी जगह है यार, ओ डैम यार। गाइस पता है क्या, मैं अपना मिशन करना चाहता हूँ, आई एम रियली एक्साइटेड टू जस्ट कैच 3 पोकेमॉन, एंड आई एम श्योर कि तुम लोग भी हो भाई। तो मैं बस जा रहा हूँ भाई सीधा मिशन करने, अगले मिशन में भाई हम लोग पक्के से भाई हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर और करेंगे। अरे वेट, हमारे पास हम लोग ऐसे अच्छा स्विच कर सकते हैं बोकन। ओके ओके, ई कौन है भैया, मैं जाने नहीं दोगे तुम, मतलब है सीधे सीधे से। ओह व्हाट अ क्यूरियस गेटअप यू हैव देयर, आई कैन ऑलरेडी टेल यू आर क्वाइट द कैरेक्टर, आई एम बॉय। ये अलग ही बंदा लग रहा है भाई, आई एम वोलो ऑफ द गिनको गिल्ड, द गो टू चॉइस फॉर एनी ऑफ योर मर्सेंटाइल नीड्स हेयर इन हिसुई। ओके तुम आसमान से गिरे राइट, बिल्कुल मैं आसमान से गिरा भाई, और खजूर में नहीं अटका अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरे पीठ में अभी तक दर्द हो रहा है गिर के। हाउ अबाउट यू एंड आई सी हाउ आर पोकल स्टैंड अप अगेंस्ट वन अनदर इन अ बैटल। ओ डूड मैं मना भी कर सकता हूँ इसे, इसको देखा चाहे तो, पर मैं एक्चुअली बैटल करना चाहता हूँ, मेरे को अपने पोकल लेवल अप करना है, तो क्यों नहीं भाई। और इस गेम में आई थिंक बैटल भी थोड़ी अलग होने वाली है, तो हमें वो भी पता चल जाएगा। चलो भाई देखते हैं भाई कौन जीतता है हमारी पहली बैटल में, अ फर्स्ट ट्रिनर बैटल बॉयज। ओहो हो ओके, दिस इज लुकिंग इंटरेस्टिंग। टोगेपी है इसके पास गाइज, ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अलग होगा ने किसी के पास। ओ डूड हम लोग, वेट अ सेकेंड, हम लोग एक्चुअली मूव कर सकते हैं इनसाइड आर बैटल में, मतलब बहुत दूर नहीं जा सकता पर मैं मूव कर सकता हूँ। डूड दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक दिस कैन गेट मैन, डैम यार मैं इसके मुंह पर भी खड़ा हो सकता हूँ। ए टोगेपी, ए लड़की क्या चल रहा है तेरा, मैं इसके पास भी जाके खड़ा हो सकता हूँ। एक्चुअली ये करते हैं भाई, यही करते हैं भाई, मैं तेरे साथ खड़ा होऊंगा भाई, तब बैटल करेंगे अपन। ओके लेट्स फाइट, लेट्स सी भाई, टैकल अभी तो फिलहाल के लिए बस। ये ग्राउंड वगैरह भी नहीं है इस बार। ओ डूड एज यू कैन सी ही एक्चुअली हिट हिम, ये लोग एक्चुअली हिट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ से देखता हूँ भाई, यहाँ से बेस्ट दिखेगा। हमारे पास अभी लाइक ना तो ग्राउल है ना टेल वेप ऐसा कुछ है, लग रहा है इसमें थोड़ा अलग होने वाला है भाई सिस्टम। ओके डू वील डेफिनेटली विन दिस बैटल, बहुत ही बढ़िया, दिस शुड बी इट, अमेजिंग बॉय, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया बैटल डिसाइडेड। अरे भाई क्या बात है, ओपी पी पी हूँ क्या मैं। मूव्स आइटम्स यूज देम वेल एंड द वर्ल्ड विल ओपन अप टू यू, थैंक यू बॉय। 50 एक्सपीरियंस, अरे भाई साहब क्या बात है। न्यू मूव, ओके न्यू मूव सीखा है भाई हमारा बंदा, क्या बात है यार। इट्स ऑलवेज गुड फन टू हैव योर पोकेमॉन डू बैटल, डोंट यू थिंक। बिल्कुल भाई। ओ ओके, ये कोई नया मैकेनिक है, ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू चेंज मूव्स योर पोकन कैन यूज, ओपन योर सैचल, चूज द पोकन यू वांट एंड सेलेक्ट द चेंज मूव्स ऑप्शन। ओके गाइस ये एक अलग ही चीज आई है। ओके तो अगर हमारे पास ऑलरेडी 4 मूव्स हैं और हम कोई नया मूव सीखें तो हम ऐसे करेंगे क्या अब, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई। सही है यार, यू ऑप्टेन 5 पोशन, थैंक यू मैन, थैंक। ओ पोशन भी अलग लग रहे हैं भाई इसमें तो, और 60 HP हील करते हैं पोशन, डैम भाई 60 HP तो बहुत ज़्यादा है भाई। लाइक नॉर्मली कितनी हील करते हैं, नॉर्मली 20 HP हील होती है भाई पोशन से। गाइज ये गेम इज गना चेंज द फेस ऑफ पोकेमोन फ्रॉम नाउ मैन, लाइक ये गेम कुछ अलग ही है भाई चीज। नाउ टू द ऑब्सीडियन फील्डलैंड्स, ये सकारी में आ रहा हूँ बस। ओ ये हमें बता रही है कि गार्ड्स को बता के जाना चाहिए हमेशा कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिससे अगर तुम फेंट हो जाओ तो तुम्हें बचाने के लिए आ सकें। चलो बहुत ही बढ़िया, पर पहले मेरे को एक चीज़ देखनी है, हम लोग ये सैचल से क्या कर सकते हैं। हाँ ये मेरे को ज़रा देखना है, चेंज मूव्स। ओ डूड वेट व्हाट, एक्वाजेट सीख गया भाई बंदा, आर यू किडिंग मी भाई। ये तो बहुत ही सही चीज है, ये तो बहुत ही सही चीज है गाइस।
मेरे को लगा ग्राउल वगैरह को सीखा होगा, पर एक्वा जेट ही सीख गया सीधा। क्या बात है, यू ऋषभ राइट? आई वॉज इन्फॉर्म्ड यू वुड बी पासिंग थ्रू। यस आई एम बॉय। ओ ओके ओ गाइस, ये देखो इतना बड़ा वर्ल्ड है भाई लेजेंड्स आर्सियस का, बहुत ही काफ़ी बड़ा वर्ल्ड है एक्चुअली। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पे, आई थिंक हमें जाना है यहाँ पे ऑब्सीडियन फील्ड लैंड्स में। चलते हैं बॉयज, हम लोग थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। ओ भाई साहब काफ़ी बड़ा मैप है यार, जूम करके पता चल रहा है कि कितना बड़ा है भाई मैप, क्या बात है। तो हम लोग अभी ये सब रीजन नहीं देख सकते हैं, पूरा भाई बादल से घिरा हुआ है। तो हम लोग भाई जाते हैं यहाँ पे, इसको बता देते भाई हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। चलो भैया जी, लेट्स कैच आर फर्स्ट 3 पोकेमॉन और प्रूव कर देते हैं भाई कि हम भी अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर बन सकते हैं भाई। वैसे ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर बनने का कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं, दे जस्ट वॉन्ट यू टू फिल देयर पोकेडेक्स, है ना। यो फॉर योर ट्रायल यू मस्ट कैच 3 स्पीशीज ऑफ पोकेमॉन, बिडू स्टारली एंड शिंक्स। ठीक है, बिल्कुल से कैच करेगा मैं, आई एम रेडी। प्रोफेसर भी यहाँ पे आ चुके हैं भाई। She impressed upon me that I bear full responsibility of whatever happens to a sudden guest. Oh, भाई साहब चलो प्रोफेसर को पर मेरे पे भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट मैन, क्योंकि मैंने स्टार्टर पोकेमॉन अगर पकड़ ली इतनी आसानी से तो इतनी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मतलब खासकर कि बिडूफ तो मैं पकड़ ही लूँगा, इतना तो मेरे को पता है भाई, है ना। ओके यहाँ पे क्या सिस्टम है भाई? ओके हम लोग अपने पोकेमॉन स्विच कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग शायद खाना पका सकते हैं। आइटम स्टोरेज, अरे क्या बात है, आइटम बॉक्स है यहाँ पे। ओ डूड गाइस, नई चीज़ आई है गाइस इस बार तो, आइटम बॉक्स। ओके ये कुछ वर्क बेंच है जो हम यूज़ नहीं कर सकते और हम लोग अभी रेस्ट नहीं करेंगे भाई, काफ़ी हम सो के आए हैं ऑलरेडी। आई एम जस्ट हाइप्ड अप फॉर आर मिशन राइट नाउ मैन। चलते हैं बॉयज, ग्राफिक्स एक्चुअली काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अगर मैंने नहीं बोला हो तो ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, दे आर लुकिंग स्मूथ। This is Aspiration Hill, the species of Pokemon you have meant to catch all live here. Okay. वाह यार क्या जगह भाई, बहुत ही सही लग रही है। Obsidian Fieldlands. Let's go. Oh, पहला Pokemon तो हमें इधर ही दिख गया, Bidoof. Hey Bidoof, what's up bro? इसको तो भाई फर्स्ट टाइम कैच कर लूंगा मैं, वैसे इसमें फाइट करने की जरूरत नहीं है इस पोकेमॉन को देखा जाए तो, पर अगर नहीं पकड़ में आया तो भाई ऑफकोर्स मैं फाइट कर लूंगा। पहले तो मैं ट्राई करूंगा कि क्यों ना थोड़ा मतलब ट्राई किया जाए इनको बिना स्टार्टल किए हुए पकड़ने का, है ना। एक्चुअली इसमें वो कैसे करते हैं, मैंने काफ़ी से लोगों को देखा है कि वो रोल करते हैं भाई इस गेम में, वो कैसे करते हैं लोग पता नहीं भाई कैसे करते हैं, पर फिलहाल इसको कैच करने का ट्राई करेगा पुन। ओ डूड इधर भी कुछ है, एक सेकेंड पहले मैं बैठता हूँ भाई, मेरे को स्टार्टल नहीं करना है उसको। ये क्या चीज़ है यहाँ पे? ओ वेट मिनट, मैं गलत जा रहा हूँ क्या? ओके ओके वेट वेट ब्रो, पकड़ेगा मैं इसको, पकड़ेगा मैं इसको पक्के से, एंड बूम। ओह शिट यार, थोड़ा होल्ड करके रखते हैं तो ही सही। ओ भाई यार मेरी पोकल वेस्ट हो रही है। ओके देर वी गो, फाइनली पकड़ में आएगा पर ये। ओह डूड देर वी गो, नाइस 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 नाइस, थोड़ी पोकल वेस्ट हो गई मेरी पर कोई नहीं, चलो। तो एक तो भाई हमारा हो चुका है यार, ये बहुत ईजी है पता है, ये इन्होंने भाई फालतू में बोला था कि थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा वैसे ये कलेक्टेबल चीज़ है गाइस एक, जो कि हम नहीं कर सकते कलेक्ट अभी, कोई नहीं। चलो दूसरा पोकेमॉन शिंक्स बोला था ना इन्होंने, शिंक्स और स्टारली हमें पकड़ना है, स्टारली तो ये रही भाई, इजी पीजी पकड़ में आ जाएगी ये तो। शिंक्स एक्चुअली थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं भाई, शिंक्स थोड़े होते हैं जो बदमाश टाइप के होते हैं। ओह ओके तो घास में जाके हम लोग कैच करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके ओके ट्राई करेगा मैं फिर घास में जाके पकड़ने का। इसमें कहीं इस दिखा रहा है ये कि तुम्हें देख पा रहे भोगन कि नहीं, और ऑलमोस्ट हमें देख पा रहे भाई वो। ओके लेट्स ट्राई, थोड़ा ऊपर एम करेंगे, लेट्स गो। क्या आएगा भाई पकड़ में? शायद मेरे को फाइट करनी पड़े भाई शायद से। ओ डूड पकड़ में आ गए, नाइस 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 नाइस। मेरे को लग रहा है शिंक से फाइट करनी पड़ेगी यार, शिंक्स थोड़े से भाई निखट्टू टाइप के होते हैं, उनसे शायद फाइट करने की जरूरत पड़ जाए। आई फॉरगॉट देयर समथिंग आई वांट टू टीच यू सिंस यू आर स्टिल न्यू टू दिस। हेज द प्रॉपर वे टू थ्रो योर पार्टनर्स पोकेबॉल। ओके अच्छा ओके ये तो मैं समझ गया था वैसे, इसको बताने की जरूरत नहीं थी, बस एक्स दबाना है और हो जाएगा भाई। ओके 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 तो अगर मैं ये इस बेरी वाली ट्री पे भाई फेंकूँगा अपने पोकेमॉन को तो फिर मैं ओह अच्छा मेरे सारे बाकी पोकेमॉन भी इधर ही आ गए। ओके नाइस नाइस नाइस, चार चार लेवल के पकड़े भाई, मैंने इतने बुरे नहीं है एक्चुअली, अभी के लिए तो इतने बुरे नहीं है। लेट्स थ्रो आर स्टार्टर पोकेमॉन, देखते हैं भाई ये कैसे कलेक्ट करता है बेरीज। ओ नॉइस, 3 ऑरेंज बेरीज फार्म कर ली भाई हमने, यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है राइट, तो कितना मज़ा आता है भाई ऐसे फार्म करने में।
ओ ओके भाई, ये थोड़ी दिक्कत करने वाले बॉय, ये थोड़ी दिक्कत करने वाले। शिंक्स हैज एन एग्रेसिव डिस्पोजिशन, कुड यू ऑलरेडी टेल दैट? यस। ओ वेट भाई, नो कैसे हो गया ये? मैं तो ऊपर वाला ऑप्शन चूज कर रहा था, ये क्या बकवास है? अच्छा ओके 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 ओके, तो जब हम लोग फोकस करते हैं किसी पोकेमोन पे, तो जितने ज़्यादा एरोज मतलब ऊपर बने होते हैं ना, तो उतना ही आसान होता है उस पोकन को पकड़ना। तो इस वाले पे तो क्रॉस बना हुआ होगा भाई, तो ये वाला मतलब इससे तो हमें बैटल करनी ही पड़ेगी, ऐसा है। ओके ओके, तो भाई होपफुली ना बनाओ उस पे, यू गॉट टू बैटल देम। ओके ठीक है, चलो भाई बैटल ही करनी पड़ेगी लग रहा है। कौनू नहीं भैया, कर लेंगे बैटल ही। बैटल करने में अभी एक्चुअली अलग ही मजा आएगा। वो दूर से उधर से ही देख लिया भाई मेरे को। ओए रुक जा रुक जा, ए रुक जा लड़के, रुक जाइए थोड़ा, फेंक रहा हूँ पोकेबॉल में तेरे पे। ले लेट्स गो भाई, हमारी पहली पोकेमॉन बैटल, आई मीन वाइल्ड पोकेमॉन बैटल। ओ भाई आराम से यार, भाई बैटल ही चालू नहीं हुई अभी तो। ओके तो इसमें गई से एक अलग मैकेनिक आया है, जो कि मुझे समझाने के लिए टाइम चाहिए भाई। इसको बोलते हैं एक्शन ऑर्डर। तो जैसे कि तुम्हें पता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ भाई किसी पोकेमॉन गेम का, जैसे रेड एंड ब्लू हो गया। मैं एक अटैक मारूंगा, फिर सामने वाले पोकेमॉन एक अटैक मारेगा, फिर मैं एक अटैक मारूंगा, फिर सामने वाला मारेगा, है ना? वही होता है ना, वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है ऑशवॉट शिंक्स ऑशवॉट शिंक्स ऑशवॉट शिंक्स। पर इस गेम में एक नया मैकेनिक आया है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, अजाइल स्टाइल और स्ट्रॉन्ग स्टाइल। वो भी हमारा अनलॉक नहीं हुआ है, पर जब होगा तब हम लोग उसके बारे में और बात करेंगे। पर फिलहाल हम लोग मारेंगे एक्वाजेट। ओह शिट यार, एक्वाजेट मारना नहीं चाहिए था मेरे को। ओके नेवर माइंड, नहीं मरा ये, नहीं मरा। अब हम लोग भाई आइटम्स यूज करेंगे और सीधे भाई फेंकेंगे इस पर पोकेबॉल। लेट्स सी, पकड़ में आते गए भाई ये इतनी हेल्थ पे, होपफुली आ जाए। हाँ तो जाना चाहिए वैसे, इतना भी मुश्किल नहीं हो। ओ लेट्स गो, क्या बात है। इस वाली गेम में इस पोकल तीन बार नहीं हिलती है वैसे, बस एक बार हिल के हो जाता है भाई। यू अप्रोच दोस पोकन विदाउट अ हिंट ऑफ फियर एंड कॉट ईच वन। यस आई डिड गर्ल, यस आई डिड। ओपी हूँ यार मैं इतने गेम खेल चुका हूँ भाई, ऑफ कोर्स इतना तो कर ही लेंगे हम। दिस इज वंडरफुल, आई एम स्टिल क्यूरियस व्हाई ऑन अर्थ यू केम फ्लाइंग फ्रॉम द स्काई, बट फॉर नाउ लेट्स टेल द प्रोफेसर वी आर रेडी टू हेड बैक। यस लेट्स गो। वेल गाइस, मेरे को लग रहा है कि सर्वे कॉर्स में तो ऑफकोर्स मेरा एडमिशन हो ही जाएगा, है ना? मेरे को अब किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जाने के लिए कि भाई वो बिजली क्या गिरी थी यार, वो पेड़ पे बिजली क्या गिरी थी, वो हमें गाइस जानना पड़ेगा। वो कुछ खतरनाक हुआ था भाई। आई सेड यू वुड पास द ट्रायल विद फ्लाइंग कलर्स एंड इट सीम्स यू वेंट एंड डिड जस्ट दैट। इनको भाई एक्चुअली हम पे हमेशा से विश्वास था भाई, जो कि अच्छी बात है। थैंक यू प्रोफेसर। ओ अरे फोटो भी खींच रहे हैं आप तो, क्या बात है अंकल। भाई अंकल तो हमारे डैड जैसे हैं भाई इस गेम में, नाइस यार। चलो कैप्टन शाइलिन को भाई रिपोर्ट करने के टाइम आ चुका है, लेट्स गो, लेट्स क्लेम आर बैज, या फिर जो भी हमें मिलने वाला है भाई, पता नहीं क्या मिलने वाला है, एडमिशन मिलने वाला है एक्चुअली, बैज क्या ही मिलेगा। चलो भाई लेट्स गो टू हेड क्वार्टर्स, रिपोर्ट टू कैप्टन शाइलिन अबाउट हाउ योर ट्रायल वेंट। ओके वेल गाइस, मेरे को लग रहा है अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही करने वाला हूँ। अगले एपिसोड में गाइस लग रहा है कि हमें थोड़ा पता लगने वाला है अबाउट दैट थिंग दैट हैपेंड, जो बिजली गिरी थी अचानक से, उसके बारे में शायद हमें थोड़ा पता लगे, तो वो हम लोग जरूर से देख लेंगे। और मेरे को यार थोड़ा और एक्सप्लोर करना है यहाँ पे, तो वो भी हम लोग करेंगे। अगले एपिसोड गाइस आने वाला है कल सुबह सुबह, और एक और आएगा फिर कल दोपहर में, तो लुक आउट फॉर दैट। दो एपिसोड आएंगे भाई, एंड जितना हो सके भाई मैं उतना ट्राई करूंगा भाई एक्टिव रहने का फॉर दिस गेम, बिकॉज आई एम लविंग इट राइट नाउ। बहुत ही मजा आ रहा है भाई, और एकदम ही अलग एक्सपीरियंस है पोकेमॉन का, तो और भी मजा आ रहा है। बट या फॉर नाउ गाइस दैट इज इट, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो भाई लाइक मार देना यार, और कमेंट्स में भाई जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है भाई क्या हो सकता है उस रिफ्ट का राज, आरसीएस ने हमें यहाँ पे क्यों फेंका, तुम्हें क्या लग रहा है भाई। बट या हमें ऑफकोर्स भाई बाद में जाके पता चल ही जाएगा, बट फॉर नाउ गाइस दैट इज इट, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।